क्या आप भी इस रक्षाबंधन घर पे मिठाई बनाने की सोच रहे हैं? तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी सी और बहुत ही सस्ती सी मिठाई जो आपकी बची हुई ब्रेड से बन जाएगी। और ये बहुत ही टेस्टी चॉकलेटी पेड़े हैं। तो इसके लिए जो बची हुई ब्रेड है, मैंने 4 से 5 ब्रेड थी उनको इस तरीके से मिक्सी में ग्राइंड कर लिया। उसके साथ ही मुझे 1 गिलास दूध चाहिए होगा, यानी कि 250 मिलीलीटर। तो मैंने उसको गर्म कर लिया है। तो देखिए, जब इसमें उफान आ जाए उसके बाद इसे थोड़ी देर और पकने दें, थोड़ा सा ये कम हो जाएगा। उसके बाद जो हमने इसका बुरादा बनाया था, ब्रेड का क्रम्स थे हमारे पास, उसको हम दूध के अंदर मिक्स कर देंगे अच्छे से। वैसे यार है ना, ब्रेड की तो बहुत सारी रेसिपीज़ बनती है टेस्टी टेस्टी। आपकी फेवरेट कौन सी है? मैंने तो जब से ये वाली रेसिपी बनाई है ना, तो मेरी तो फेवरेट यही वाली है। आप भी बना के ज़रूर ट्राई करना कि कैसी बनती है, और ये ज़रूर बताना कि आपकी फेवरेट कौन सी है ब्रेड की रेसिपी। फिर उसके बाद देखिए, मैंने आधा कटोरी मैंने इसके अंदर चीनी डाल दी, यानी 50 ग्राम के आसपास डाली होगी, और इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। देखिए, अच्छे से मिक्स करना है, इसमें दाने नहीं रहने चाहिए, अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए। ये बहुत ही टेस्टी, पता है, खाने में ऐसा लग रहा था इसे जैसे कि मावा है, लग ही नहीं रहा था कि ब्रेड का पेस्ट तैयार किया है मैंने। फिर अब इसे गैस बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। फिर उसके बाद इसका कुछ बनाएंगे। तो जब तक ये आप भी ट्राई करना, बनाना और खाना ज़रूर इसे। अभी ठंडा हो गया है तो अब इसके छोटे छोटे से पेड़े बनाएंगे। सबसे पहले आप चाहें तो कोई और शेप भी दे सकते हैं, जैसे कि लड्डू बना सकते हैं, या फिर और कोई बर्फ़ी की तरह भी शेप दे सकते हैं, हार्ट में दे सकते हैं, जैसे शेप आपको अच्छे लगे वैसे कर सकते हैं। लेकिन मुझे तो ये पेड़ा स्टाइल बनाना है, चॉकलेटी पेड़ा, इसलिए मैं पेड़े की स्टाइल में बना रही हूँ। देखिए, इस तरीके से सारे पेड़े हमको एक ही साइज़ में तैयार कर लेने हैं, और ये हमारे तैयार हैं। अब देखिए, इसके लिए हमें चॉकलेट चाहिए होगी, चॉकलेट का कोई भी कंपाउंड लें आप। उसके बाद आपको मेल्ट करने कैसे करना है वो मैं बता देती हूँ। एक गर्म पानी का भगोना या कुछ भी बर्तन लेना है, उसके अंदर हमें एक और बर्तन रखना है, मैंने कांच का लिया, आप कोई और भी ले सकते हैं। उसमें मैंने चॉकलेट के कंपाउंड को इस तरीके से कट कट कर करके डाल दिया है। साथ ही मैंने बटर डाला है थोड़ा सा, और ये भाप से अपने आप ही मेल्ट होता जाएगा। बटर आपको अच्छे से डाल देना है। देखिए, अब ये ना धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है, आपको ज़्यादा हिलाना नहीं है इसको, नहीं तो गिर जाएगा। ये मैंने इस तरीके से लिया है, आप कोई और बर्तन भी ले सकते हैं। देखिए, धीरे धीरे कितना बढ़िया से ये हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है। उसके बाद जो हमने पेड़े तैयार किए थे उनको इनके अंदर डिप कर लेते हैं अच्छे से, दोनों तरफ से, तीनों तरफ से अच्छे से कोट कर लेना अच्छे से, कि अच्छे से इस पर लग जाए, अच्छे से कोटिंग हो जाए चॉकलेटी, तभी हमारे पेड़े थोड़े अच्छे से और स्पेशल लगेंगे। इस तरीके से हम सारे पेड़ों को अच्छे से चॉकलेट में कर लेते हैं। देखिए, इस तरीके से हमने इसको अच्छे से कर लिया है, अब बचे हुए पेड़ों को भी अच्छे से डिप कर लेते हैं। देख रहे हो यार, कितना सुंदर लग रहा है ना, खाने में भी उतना ही अच्छा लगा था। आप बना के ट्राई करें, अगर अच्छा बने तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अब देखिए, इसको हम फ्रीज़ में रख देते हैं 5 से 10 मिनट के लिए, और उसके बाद निकालेंगे। और इसमें देखिए, हर्षीज सिरप से थोड़ी डेकोरेट कर दिया है मैंने। और ये देखिए तैयार है, कितने बढ़िया लग रहा है ना। अगर आज का वीडियो सच में अगर अच्छा लगा हो ना, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके बताना, और कमेंट भी करना कि कैसे बने थे।